मुंह चलाने में ये माहिर है। मैं तो कहता हूँ ऐसे कलाकार शिवराज सिंह जी है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जाइए बंबई एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा प्रदेश में पहली किस्त में माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला मैंने बनाई? विधायक मेरे पास आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, मैंने उन विधायकों को कहा मौज कर लो, मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठने वाला हूँ। कि 15 महीने मुझे मिले थे, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया कि शिवराज सिंह ने दिया क्या। शिवराज सिंह जी ने महंगाई दी, शिवराज सिंह ने बेरोजगारी दी, शिवराज सिंह ने कोरोना मत भूलिएगा कोरोना की मौत दी, शिवराज सिंह ने 22,000 घोषणाएं करी। उनकी घोषणा की मशीन अभी भी बंद नहीं हुई, अब तो इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज सिंह जी को तो मैं कहता हूँ आ जाइए शिवराज सिंह जी, आप 18 साल का हिसाब दे दो, मैं जनता को अपने 15 महीनों का हिसाब किताब दे देता हूँ। मैं राजा नहीं हूँ, मैं महाराजा नहीं हूँ। शिवराज सिंह कहते हैं मैं मामा हूँ, मैं मामा नहीं हूँ। किस चीज का विकास हुआ? कमीशन का विकास हुआ, घोटालों का विकास हुआ, और मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं बनने वाला। सबसे पहले मालवा की मैं इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, अन्नदाता भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। नीमच आकर मुझे पुराना समय याद आता है, नीलम आके मुझे दाल बाफले और जलेबी भी याद आती है। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं। और आपने तो भाई का रिश्ता पिछले चुनाव में समर्थन नहीं किया, पर भाई ने आपके यहां आकर, मुझे याद है अतिवृष्टि हुई थी, मैं शुरू में ये कह रहा हूं अतिवृष्टि हुई थी, और मैंने आपके बीच में आया था। जब मैं भोपाल वापस पहुंचा मैंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं देख के आया हूं, इनको फौरन मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारियों ने मुझे कहा हम सर्वे करवाएंगे। मैंने कहा तुम कौन होते हो सर्वे करने वाले, जब मैं सर्वे करके आया हूं, इनका मुआवजा इनको फौरन मिले, हफ्ते भर में नहीं मिला मैं आपके ऑफिस में ताला लगा दूंगा और आपको हफ्ते भर में मुआवजा मिला। मिला आप सबको? आज पूरे प्रदेश का चेहरा आप सबके सामने है। ये चुनाव जो है ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। आज पूरा प्रदेश देखिए, चौपट प्रदेश, पूरा चौपट प्रदेश बना हुआ है, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। केवल चौपट प्रदेश ही नहीं, ये तो घोटाला प्रदेश बना हुआ है, और ये सब मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। किस चीज का विकास हुआ? कमीशन का विकास हुआ, घोटालों का विकास हुआ, और आज ये नौजवानों को मैं देखता हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं, मुझे बड़ा चिंता होती है कि यही नौजवानों का भविष्य अगर असुरक्षित रहा, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य नहीं है तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे नीमच का? ये आज किस प्रदेश में जी रहे हैं? भ्रष्टाचार प्रदेश में, घोटाला प्रदेश में, ये सब आपके सामने है।
इनका रोजगार, इनका व्यवसाय आज के नौजवान में यही सोच है। आज का नौजवान में तड़फ है, वो कमीशन नहीं चाहता, वो ठेका नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। और जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं बनने वाला। आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब निवेश आए, जब योजनाओं में जो योजना है उनका घोटाला ना होए। योजनाएं आती है, आप ट्रक चला सकते हो, बस चला सकते हो, ढाबा खोल सकते हो, पर अगर इतना घोटाला 50% कमीशन देनी पड़ती है तो उन योजनाओं का क्या फायदा है। आज निवेश नहीं आता क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं उनसे बात करता था, वो कहते हैं कि मध्य कदम रखते ही मध्य प्रदेश में हमें पैसे देने पड़ते हैं। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। माफिया के खिलाफ मैंने युद्ध शुरू किया था, आप गवाह हैं। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था, ये सब आप सबके सामने है। और 18 साल शिवराज सिंह ने 22,000 घोषणाएं करी, उनकी घोषणा की मशीन अभी भी बंद नहीं हुई। अब तो इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन, इनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज सिंह जी को तो मैं कहता हूं, आ जाइए शिवराज सिंह जी, आप 18 साल का हिसाब दे दो, मैं जनता को अपने 15 महीनों का हिसाब किताब दे देता हूं। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, विदा करेंगे शिवराज सिंह जी को। 3 दिसंबर में 30 दिन बचे हैं, 3 दिसंबर को गिनती होगी, गिनती तो आज से शुरू कर लीजिए। 30 दिन बचे हैं, शिवराज सिंह जी को ये कैसे विदा करेंगे। 17 तारीख को चुनाव है, पंचायत के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपने मायने है। मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है, हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश का भविष्य तय होगा और ये भविष्य आपके हाथ में है। आज मैं आपसे यही विनती करने आया हूं कि 15 महीने मुझे मिले थे, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मेडिकल कॉलेज आपको दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, मुआवजा दिया, और आपके नीमच में 50,000 लोगों का, किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। किया शिवराज सिंह जी झूठ बोलते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने तो पहली किस्त में 50,000 किसानों का कर्जा, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं पर चालू खाते वाले का किसानों का भी कर्जा माफ किया। हमारा दूसरा किस्त हम चालू कर रहे थे, हमारी सरकार नहीं आई, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, विधायक मेरे पास आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, मैंने उन विधायकों को कहा मौज कर लो, मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठने वाला हूं। मैंने कोई सौदा नहीं किया, हमारी सरकार नहीं आई, कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा प्रदेश में पहली किस्त में माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाला मैंने बनाई? कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली आपको दी? आज घर जाके बिजली का बिल देखिएगा, और आगे आने वाले समय में 100 यूनिट आपको मुफ्त दूंगा और 200 यूनिट हाफ में दूंगा। ये कौन सी गलती करी मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाया, कौन सा गुना मैंने किया? ये सब आप गवाह हैं। दित्ता झूठ बोल दे शिवराज सिंह जी, अंत में मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि शिवराज सिंह ने दिया क्या। शिवराज सिंह जी ने महंगाई दी, शिवराज सिंह ने बेरोजगारी दी, शिवराज सिंह ने कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, याद है कोरोना कितनों की मौत दी,
भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, और एक और चीज शिवराज सिंह जी ने दी, बताओ, घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है, इनको सुनाई नहीं पड़ता। आज किसान जो भटक रहा है खाद के लिए, किसान जो अन्याय की आवाज निकाल रहा है, इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनके कान नहीं चलते। इनको ये नौजवान, दुखी नौजवान, निराश नौजवान नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में ये माहिर है, मैं तो कहता हूं ऐसे कलाकार शिवराज सिंह जी है। मैं उन्हें कहता हूं कि आप जाइए बंबई, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, ये आप कलाकारी वहां करिए, यहां हमारी जनता को मूर्ख मत बताइए। ये आज चित्र आप सबके सामने है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव सत्ता का नहीं है, ये चुनाव सच्चाई का है। और कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और सच्चाई का साथ देना। आप सब, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आप सब बैठे, आप गवाह हैं या शिकार हैं, सही बात है। ये भ्रष्टाचार तो खास करके नीमच में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 50% कमीशन, ये सब आप गवाह हैं। तो सच्चाई का साथ दीजिएगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, आप बटन सच्चाई का दबाइएगा, केवल एक उम्मीदवार का बटन मत दबाइएगा, केवल एक पार्टी का बटन मत दबाइएगा, सच्चाई का बटन दबाइएगा। और सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हम अपना मध्य प्रदेश, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। जब हमारी विधानसभा शुरू होगी, नीमच के तीनों सीटों का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।